हेलो स्टूडेंट्स, टुडे सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द बायोट सेवर्ट लॉ। हम इसके पहले बायोट सेवर्ट लॉ पढ़े हुए हैं और कोई लॉन्ग वायर है, सपोज दिस लॉन्ग वायर, और यहाँ से डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस है एंड दिस एंगल, सपोज दिस एंगल इज फाइव वन एंड दिस एंगल इज फाइव टू। तो यहाँ से ये पॉइंट पी है, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये इसके लिए हम पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई बाई एक्स साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू, ये हम डिराइव करा चुके हैं। तो एक फार्मूला तो ये है आपको, दूसरा फार्मूला ये बताए हुए हैं, कोई सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन टू आई बाई आर, आर इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर रिंग। ये दोनों फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ हम ये भी बोले हुए हैं कि यदि ये इसका कोई आर्क है, केवल सम आर्क, मान लीजिए कि केवल हमको ये पॉइंट है सर्कुलर रिंग का केवल एक सेक्शन, यदि यहाँ पर एंगल थीटा बना रहा है सेंटर पे, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन टू आई बाई आर अपॉन टू पाई इंटू थीटा, ये भी हम बताए हुए। तो बस ये सिंपल दो, मतलब मेन ये और ये दो फार्मूले हैं, इसी का हेल्प करके हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इसको आप देखिए, इसका डेरिवेशन पहले हो चुका है और फिर हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी यूज करेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट। तो पहला क्वेश्चन आप लिखिए, और स्टार्टिंग में एक चीज़ और देख लीजिए, मान लीजिए कि हमारे पास कोई लेंथ था ये एल, और यहाँ से पी एक पॉइंट है एट ए डिस्टेंस एक्स, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। हम बायो सेवर्ट लॉ यूज किए थे, क्या था, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपन, ये यदि डिस्टेंस आर है या कोई भी एलिमेंट्री लेंथ, मान लीजिए कि ये एलिमेंट्री लेंथ डीएल था, तो इस डीएल एलिमेंट्री लेंथ के वजह से, ये डीएल एलिमेंट्री लेंथ यहाँ पर मान लीजिए आर डिस्टेंस पर था, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना था, म्यू नॉट अपन फोर पाई आई डीएल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। ये बेसिक बायोट सेवर्ट लॉ है, ओरिजिनल बायोट सेवर्ट लॉ है, इसी का हेल्प करके हम इसका भी हेल्प करेंगे। अब देखिए, इसके साथ साथ ये बताने का हमको मकसद ये है कि यदि यही पॉइंट, ये पॉइंट आते आते बिल्कुल यहाँ पर आ जाए, इस वायर के बिल्कुल स्ट्रेट में आ जाए, देन व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, और आर क्या होगा, यहाँ पर आने के बाद आर और आई के बीच में एंगल जीरो हो जाएगा। यदि ये पॉइंट घूमते घूमते बिल्कुल इस एंड के अलोंग हो जाए, वायर के अलोंग हो जाए, देन एट दिस पॉइंट आई एंड आर, द एंगल बिटवीन आई एंड आर इज जीरो, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो एट दिस पॉइंट। सिमिलरली यदि ये पॉइंट हमारा यहाँ रहता है तब इस एंड की ओर रहता है, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ करेंट, और ये आर का डायरेक्शन ये हो गया, इसका मतलब ये करेंट का डायरेक्शन इस साइड में और आर का डायरेक्शन इस साइड में, तो इसका मतलब कि यदि इस पॉइंट पर हम आते हैं तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू जीरो, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। इस पॉइंट पर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी 1 सेकेंड। तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो है और यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, नाउ सपोज क्वेश्चन नंबर वन,
ये आपका इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और एंड दिस इज सेमी सर्कुलर रिंग, सपोज दिस इज सेमी सर्कुलर रिंग और ये भी इनफाइनाइट लेंथ है, ये सेंटर सी है, सेंटर है और ये जो सेमी सर्कुलर रिंग बन रहा है उसका रेडियस आर है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखिए मैग्नेटिक सॉल्यूशन में आप आ जाएंगे, सॉल्यूशन में आएंगे तो देखिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल रहे हैं थ्री सिस्टम है, एक लॉन्ग वायर है, ये इनफाइनाइट है, इसका लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड को हम B1 कह रहे हैं, सेमी सर्कुलर रिंग को B2 कह लीजिए और फिर ये लॉन्ग वायर है इसको आप B3 कह लीजिए। तो B=B1 कितना हो जाएगा, 0। और ये सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से म्यू नॉट, देखिए पूरे रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम बताए हुए हैं, यदि पूरा रिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड μ0/2πIR। तो सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से कितना हो जाएगा, μ0/4πIR और B3 कितना हो जाएगा, 0। तो दिस मैग्नेटिक फील्ड B=μ0/4R, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस सिस्टम। अब वीडियो पॉज करके नोट करिए, क्योंकि पूरे रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता था μ0/2R। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन बताने के लिए हम बताए हुए हैं कि इसको इस ढंग से कर्ल करिए चारों फिंगर को कि दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ करेंट, देन थंब विल बी शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड देखिए ये इनवर्ड हो जाएगा, व्हाट विल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट विल बी इनवर्ड। ओके, इसको मिटाते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख लीजिए, मान लीजिए कि ये हमारा हम कोई आर्क लिए हुए हैं, सेमी सर्कुलर नहीं है कोई भी, ये आर्क है और ये इस आर्क का ये सेंटर है, दिस इज सेंटर ऑफ दिस आर्क और ये वायर है, वंस अगेन ये इनफाइनाइट लेंथ का है, इसको हम यहां से ऐसे कर देते हैं, ज्वाइन करते हैं। ये पॉइंट वो हो गया तो, और ये कितना एंगल बना रहा है भाई, ये लाइन नहीं, लाइन बस यही है, करंट आपका इधर से आया, इधर से होते हुए करंट इधर चला गया, एक पॉइंट से करंट इंटर किया है, दूसरे पॉइंट से बाहर निकल गया है। अब सुनो, देखो सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो ये जो बाकी बचा ये अपर पोर्शन, एंगल का अपर पोर्शन ये जो हुआ वो कितना हो जाएगा, दिस 2π-θ, 2π-θ। तो हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार फिर यहां पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड B=, इस लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 और ये थर्ड B3। तो B=, ये मैग्नेटिक फील्ड चूंकि ये जो पॉइंट O है इस लाइन के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, तो ये एंगल कितना हो गया, एंगल 0 हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 बायोट सेवर्ट लॉ से, और पूरे रिंग सर्कुलर रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0/2 I/, सपोज रेडियस कैपिटल आर है, I/R, ये पूरे सर्कुलर रिंग की वजह से है, तो यूनिट रेडियन की वजह से डिवाइडेड बाय 2π, तो ये ऊपर कितना एंगल बन गया, यहां लिख दे रहे हैं B=B1+B2+B3, ऊपर कितना एंगल बना, B
b1 plus b2 plus b3. तो ये एंगल कितना बन गया ऊपर ऊपर b इक्वल हो गया b1 के जगह पर ये 0 हो गया, b2 म्यू नॉट अपॉन 2 i बाय r, ये तो पूरे रिंग के वजह से है, तो यूनिट रेडियन की वजह से डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो ये कितना हो गया 2 पाई माइनस थीटा प्लस b3 की वजह से 0। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बी कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2, ये दिख रहा है, हम साइड में लिख देते हैं इसको, नेट मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2, म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर, म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर, 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पर, ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई, एंड व्हाट विल बी डायरेक्शन, इनवर्ड, ये इनवर्ड हो गया डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आ जाइए आप, ये सपोज ये आपका एक रिंग है, ये सेमी सर्कुलर आर्क है, सपोज ये सेमी सर्कुलर आर्क एंड दिस इज अनदर आर्क, दिस इज अनदर सेमी सर्कुलर आर्क, इसको डॉटेड करके मिला लीजिए आप, इसको आप डॉटेड करके मिला लीजिए, मान लीजिए करंट का डायरेक्शन ये आई हो गया, ये करंट यहां से इंटर किया हुआ है, ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, ए डी है, ये दिस इज एंड दिस इज पॉइंट ओ सेंटर, दिस इज कोसेंट्रिक, दिस पॉइंट ओ इज कोसेंट्रिक, मतलब आर्क ए बी का भी सेंटर ओ है और आर्क सी डी का भी सेंटर ओ है, दोनों का सेंटर ए है एंड एक का रेडियस स्मॉल ए है और दूसरे का रेडियस स्मॉल बी है, दोनों का रेडियस भी हमको दिया हुआ है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बाहर बी इज इक्वल टू ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा बी सी के वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा सी डी के वजह से मैग्नेटिक फील्ड और डी के वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड देखिए बी ए बी की वजह से, मान लीजिए ये एंगल कितना है थीटा है, तो ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। और एक चीज और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसको आप निगेटिव मान लीजिए, लेट या टेक निगेटिव फॉर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, फॉर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, जो भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा उसको हम निगेटिव मानेंगे, सपोज हम किए तो यहां पर देखिए ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, आउटवर्ड होगा, इसको फिंगर को इस ढंग से हम रखेंगे कि दिस कर्लिंग ऑफ द फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन द थंब विल शो द डायरेक्शन, सॉरी डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये इसके वजह से आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो आउटवर्ड को आप प्लस लेंगे क्योंकि इनवर्ड को आप निगेटिव लिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरे रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन, ये कितना है डिस्टेंस ए, पूरे रिंग की वजह से 2 पाई की वजह से, तो यूनिट की वजह से डिवाइडेड बाय 2 पाई,
तो ये कितना एंगल है थीटा, ये हो गया आउटवर्ड को हम प्लस लेंगे। बी सी की वजह से क्योंकि ये करंट का डायरेक्शन और आर उसके बीच में एंगल 180 डिग्री है, इसलिए बी सी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो। सी डी की वजह से, सी डी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, इनवर्ट हो जाएगा क्योंकि दिस विल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ सॉरी दिस फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर द मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ट, दैट इज म्यू नॉट अपॉन टू आई बाई, ये रेडियस बी है, थीटा अपॉन टू पाई, इनवर्ट आउटवर्ड को प्लस ले लिए इनवर्ट को माइनस ले लिए। और डी ए की वजह से कितना होगा, ये करंट का डायरेक्शन और आर दोनों के बीच का एंगल जीरो हो गया, तो दिस विल बी जीरो। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई को हम बाहर ले लें, तो वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन बी, तो दिस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए बी बी माइनस ए। अब देखिए दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस सिस्टम। अब देखिए सिंस बी इज ग्रेटर देन ए, बी ए से अधिक है, देयरफॉर ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव का मतलब, पॉजिटिव को हम क्या लेते हैं, आउटवर्ड लेते हैं, क्योंकि निगेटिव को हम क्या लिए हुए हैं, इनवर्ड लिए हुए हैं। तो डायरेक्ट सिंस बी इज ग्रेटर देन ए बी, हेंस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई बी माइनस ए अपॉन ए बी इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया, देयरफॉर या हेंस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी पॉजिटिव को हम क्या लेंगे, आउटवर्ड, हेंस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी व्हाट, आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड हो गया। चलिए तीन न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हो गया, नेक्स्ट हम देखते हैं। वीडियो पॉज करके नोट करिए। बच्चों तो हम और भी क्वेश्चन इसमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। मान लीजिए नेक्स्ट थर्ड हो गया था मेरा, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। सपोज दिस इज स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर के सेंटर पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पे। करंट हमारा फ्लो कर रहा है, पॉइंट ए पर इंटर किया और पॉइंट बी से डी से निकल गया, बाहर आ गया। देखिए यहां पर करंट आके दो भाग में फ्लो कर रहा है, एक में होगा आई वन और यहां एडी में होगा आई टू। सपोज द साइड ऑफ, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ ऑफ द स्क्वायर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर
of the square of side small a. Side small a. इसका साइड क्या है? स्क्वायर का साइड क्या है? स्मॉल ए. अब देखो बच्चों, यहाँ पर दो चीज आप ध्यान रखिए. करंट, पहले तो हमको करंट निकालना पड़ेगा. आई वन क्या होगा, आई टू क्या होगा. पहले तो हम करंट की वैल्यू निकालेंगे कि करंट क्या है, आई वन कितना है, आई टू कितना है. तो करंट निकालने के लिए मान लीजिए कि हर एक साइड का रेजिस्टेंस स्मॉल आर है. सपोज लेट द रेजिस्टेंस ऑफ ईच साइड बी स्मॉल आर. देन पॉइंट ए और डी आप सोल्यूशन में लिख सकते हैं. लेट द रेजिस्टेंस ऑफ ईच साइड बी स्मॉल आर. देन देन आई वन कितना होगा. आई वन इक्वल टू ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए वी है, तो वी अपन थ्री आर, ये आर 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 थ्री आर. दिस विल बी द करेंट. आई टू कितना होगा, आई टू, आई टू इक्वल टू वी बाई आर. ये आई वन आपको मालूम हो गया, आई टू मालूम हो गया. अलग है, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड, आई वन के वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, बी सी के वजह से वी इनवर्ट, और सी डी के वजह से थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ करेंट. देन द फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो देखिए, इसके वजह से भी इनवर्ट है, इसके वजह से भी इनवर्ट है, और इसके वजह से भी इनवर्ट है. इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड को हम निगेटिव लेंगे. जो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है उसको हम निगेटिव ले लिए. आई टू की वजह से, आई टू की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा. देखिए इसको ऐसे पकड़िए, तो यहाँ पर जाकर के पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये हमारा फिंगर बाहर आ जाएगा पॉइंट ओ पर. तो I2 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, आउटवर्ड हो गया. तो आउटवर्ड को हम प्लस लेंगे. हमने पहले भी बताया था, अभी भी आप यहाँ लिख सकते हैं. लेट द, पहले तो I1 और I2 इसको नोट कर लीजिए. I1 की वैल्यू क्या होगी, I2 की वैल्यू क्या होगी. I1 हो गया V अपॉन 3R, और I2 कितना हो गया, V बाई R. चलिए अब ठीक है. तो टोटल हमको मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी सी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी डी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डी ए. और ये जो लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट वायर है, देखिए इसी के स्ट्रेट में है, सीध में है, तो इसके वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, क्योंकि थीटा जीरो हो गया. इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसके वजह से भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है. करंट का डायरेक्शन इधर है और आर आपका पॉइंट से इस डायरेक्शन है, तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री इस क्वेश्चन के लिए. तो एक इसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो. तो केवल चार ही मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. तो बी इज इक्वल टू ए बी के वजह से मैग्नेटिक फील्ड ध्यान दीजिए. हम यहाँ से ए बी के लिए इसको हम ज्वाइन कर लिए, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए. ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल विल बी 45 डिग्री, दिस एंगल विल बी 45 डिग्री. ये एंगल कितना होगा, ये भी 45 डिग्री होंगे, दोनों एंगल 45 डिग्री पर होंगे. तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपान, अभी आप पढ़े हैं, 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए बाई टू, टू विल गो अप साइन थीटा वन, फिर जाएगा 45 प्लस साइन 45. क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ट होगा, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लिख देंगे. और कितने वायर्स हैं, 1, 2, 3, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ये तो केवल ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो जो ए बी के वजह से होगा वैसा ही बी सी है, वैसा ही सी डी है, इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है, इसलिए हमने माइनस लिख लिया. इनवर्ड को हम माइनस लेंगे, आउटवर्ड को प्लस लिखेंगे. फिर अब यहाँ पर आ जाइए, आई वन यहाँ पर लिखेंगे, आई वन, आई वन को वैल्यू बाद में लिखा जाए. नाउ इसके वजह से आउटवर्ड प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई टू अपॉन
a by 2, 2 will go up. फिर यहाँ साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन, ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, 2 पाई a माइनस थ्री म्यू नॉट अपॉन 2 पाई a। अब देखिए साइन 45, तो साइन 45 1 बाई रूट 2, ये 1 बाई रूट 2, दैट इज 2 बाई रूट 2 इंटू आई वन की वैल्यू हम बाद में पुटअप कर लेंगे यहां पर, प्लस ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ये भी हो गया आपका, ए रहा नीचे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई साइन 1 बाई रूट 2 दैट इज 2 बाई रूट 2। अब कितना हो गया, ये आई टू हो गया। तो अब ये आई वन और आई टू की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आई वन और आई टू की वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए नेक्स्ट स्टेप में, तो बी इज इक्वल टू जो कॉमन लेना है कॉमन ले लेंगे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ए, देखिए रूट टू को भी रूट टू से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रूट टू को बाहर ऊपर ले लीजिए आप, तो रूट टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ए रूट टू। अब यहाँ हो गया -3 I1, ये यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ए बाहर हो गया है, रूट टू बाहर हो गया, प्लस I2, ये चीज हो गया, इसको आप नोट करिए। फिर I1 और I2 की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, After that you will put the value of I1 and I2. I1 और I2 की वैल्यू पुट अप करते हैं, I1 और I2 की वैल्यू पुट अप करके देखिए, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ए रूट 2 -3 I1 के जगह पर वी अपॉन 3R प्लस I2 के जगह पर वी बाई आर, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन पाई ए रूट 2, ये कैंसिल आउट हो गया 3, ये 0 हो गया, तो b की वैल्यू 0 हो गई। देखिए सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस बात को ध्यान में रखिए आप, यदि एक एंड से करंट इंटर कर रहा है एक पॉइंट से, या दूसरे पॉइंट से करंट बाहर निकल जाए एग्जिट कर जाए, तो सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, इस बात को आप ध्यान रखिए। सिमिलरली क्वेश्चन 4th था, इसी को हम इसी में थोड़ा सा हम क्वेश्चन 5th अप्लाई कर देते हैं, वीडियो पॉज करके नोट करिए इसको, ओके। हम यहां से ये चीज हटा देते हैं, यहां से ये चीज हम हटा दिए, I1 I2 हटा दिए, इसको भी हम हटा दिए, हमारा स्क्वायर सेम रह गया। और मान लीजिए कि यहां पर करंट क्या है, सर्कुलेट कर रहा है, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, ए हो गया ये डिस्टेंस, देन द फाइंड आउट इक्वेशन नंबर 5th हो गया, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड ए हो। अब सोल्यूशन में आ जाइए बच्चों, यहाँ पर सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से इनवर्ड, बीसी के वजह से भी इनवर्ड, सीडी के लिए वो इनवर्ड, बीए के लिए भी इनवर्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड ही है, तो और एक के वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड को माइनस आप लिखेंगे, लेट द मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड मैग्नेटिक हो, लेट निगेटिव साइन सोच दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, मान लीजिए निगेटिव साइन क्या है, इसको नोट कर लेंगे, हमारे पास इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है।
वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज करके नोट करिए। अब देखो बच्चों, हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट होगा, इन्वर्ट होगा इसलिए निगेटिव आप ले लीजिए। वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई, मान लीजिए करंट इसमें आई है तो वही करंट इसमें होगा आई, वही करंट इसमें होगा आई, वही करंट इसमें होगा आई। यहाँ करंट क्या है, सर्कुलेट कर रहा है, वहाँ पर करंट एक पॉइंट से इंटर किया था, दूसरे पॉइंट से बाहर आ गया था, तो म्यू नॉट अपन फोर पाई आई अपन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए बाई टू, टू विल गो अप साइन थीटा वन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। तो ये कितने कितने हो गए आपका ए बी बी सी सी डी डी ए, इसलिए हम फोर टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सबके वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम ही है, दैट इज निगेटिव। ये बी इज इक्वल टू हमारा फोर से फोर कैंसिल आउट हो गया, तो निगेटिव म्यू नॉट अपान पाई टू आई अपान ए, म्यू नॉट अपान पाई टू आई अपान ए, फोर से फोर कैंसिल आउट हो गया। ये साइन 45 डिग्री 1/√2 प्लस 1/√2, तो b इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट अपॉन पाई ए, ये 2/√2 हो गया, तो 2/√2 को हम क्या लिखेंगे, ये ऊपर क्या हो गया 2/√2 म्यू नॉट अपॉन पाई 2i, म्यू नॉट अपॉन पाई 2i बाई ए इंटू 2/√2, तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट अपॉन पाई 2√2i अपॉन ए, दिस विल बी द वैल्यू म्यू नॉट अपॉन पाई 2√2i बाई ए। अब नेगेटिव साइन शो क्या कर रहा है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन पाई 2√2i बाई ए, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड, इसका डायरेक्शन हो गया इनवर्ड। तो ये इस ढंग से हम इसको निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पांच क्वेश्चन हम करा दिए, एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं आपको, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कोई बात नहीं, या रहने दीजिए, ओके। एक क्वेश्चन और हम आपको करा ही देते हैं, वीडियो 32 मिनट्स का हो गया, ओके थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अपलोड करेंगे, ओके थैंक यू।